हाय गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना चैनल टेक्निकल कैसे में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के बारे में। और दोस्तों, आपको बता दें यूट्यूब के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि यूट्यूब पहले क्या था और अभी के टाइम पे यूट्यूब क्या है, जैसे कि कितने सारे रूल्स हैं, कितने सारे अपडेट हैं और आपको क्या जानकारी चाहिए, और आज के टाइम पे आपको क्या क्या टफ होता है यूट्यूब क्रिएटर बनने के लिए। तो दोस्तों, यही इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यूट्यूब जो पहले के टाइम पे था, जब जियो नहीं आया था, जियो के टाइम पे भी सही था यूट्यूब। और जैसे ही यूट्यूब का विस्तार हुआ, जियो का भी विस्तार होता गया, उसी टाइम पे यूट्यूब का खेल शुरू होता है। दोस्तों, आपको बताते हैं पहले की बात, जब यूट्यूब एक टफ नहीं होता था, एक क्रिएटर के लिए बहुत ही संघर्ष की बात नहीं होता था, तब की बात हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, यूट्यूब जो है जियो से पहले क्या होता था कि अगर आप एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, यूट्यूब चैनल बनाना भी बहुत ही आसान था। अगर आपके यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा यूट्यूब किस तरीके से। एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया है यूट्यूब कोर्स का, जो कि फ्री है, आप उससे देख के बहुत सारे जानकारी को देख पाएंगे और सीख पाएंगे यूट्यूब के बारे में। तो दोस्तों, यो जो यूट्यूब है वो पहले के टाइम पर आप एक चैनल बनाइए और एक वीडियो, आप कोई भी वीडियो जिस टॉपिक आप वीडियो बनाना चाहते हैं और वीडियो को अपलोड कर दीजिए। वीडियो अपलोड होते ही आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता था और आपके वीडियो पे ऐड आना शुरू हो जाता था और आप रेवेन्यू अर्निंग करना शुरू कर देते थे। बस इतना ही खेल होता था यूट्यूब का। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पे आपको बता दें कि ढेरों सारे अपडेट आते रहते हैं और ढेरों सारे ध्यान रखना होगा और उस सारे अपडेट को, सारे नियम को आपको फॉलो भी करना होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें अभी के टाइम पे जो है सो पहले अपडेट आया था 10,000 व्यूज होना चाहिए आपके चैनल पे पूरी वीडियोज पे मिला के। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पे बहुत सारे 2ST वेरिफिकेशन हो गया, इनेबल होना चाहिए, 4,000 वॉच टाइम, 1,000 सब्सक्राइबर, फिर आप जाके अपने चैनल को मोनिटाइज करवा पाएंगे। इतने सारे रूल्स होने के बाद आप एक क्रिएटर बन सकते हैं। और दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आता है कि अपडेट जो है नए नए टाइम पे नए नए अपडेट आ रहे हैं। मान लीजिए आपने एक ऐसा वीडियो बनाया है जो कि आप क्रैकिंग, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे जो है सो पुराने यूट्यूब जो था उस पर उस टाइप का कोई रूल्स नहीं था। अगर इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपको कोई स्ट्राइक वगैरह आपके चैनल पे कोई दिक्कत नहीं आते हैं। लेकिन आज के टाइम पे जो यूट्यूब हो गया है, बहुत सारे अपडेट आ गए हैं, बहुत सारे रूल्स आ गए हैं जो कि नए नए हैं। और पुराने ज़माने में जब आप वीडियो बनाए थे और अभी के टाइम पे उस वीडियो से रिलेटेड एक नियम आ गया है। तो मान लीजिए आप अभी एक वीडियो बना लिए जो कि यूट्यूब के रूल्स के खिलाफ है, तो आपके चैनल पे स्ट्राइक आ सकता है या फिर आपका चैनल भी डिलीट हो जाएगा। आप देख ही रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े चैनल यूट्यूब पे डिलीट होते जा रहे हैं, बहुत रिकवर होते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं भी हो पाते हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब जो है एक टाइम पर ऐसा था कि कोई भी रूल्स नहीं था, और रूल्स होना ज़रूरी होता है, लेकिन एक रूल्स जो है सो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि जब ज़्यादा हो जाता है। तो आज के टाइम पे यूट्यूब क्रिएटर बनना एक बहुत ही टफ काम है। आपका क्या राय है आप एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नियमों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।